मानती हूँ कि उसको किसने अगवा किया है। किसने? तबरेज के आदमियों ने। मैंने खुद देखा कि तबरेज के आदमी उसको लेके जा रहे थे। बैग दे, मैं खुद गिन लूंगा। अब पैसे पूरे हैं। मेरी मानो ना तो एक दफा पैसे गिन लेना, मुझे अज्जू पे एतबार नहीं है। अगर एक भी रुपया कम निकला तो हम इसे फिर से अगवा कर लेंगे। मुझे क्यों अगवा करोगे? इस बार अज्जू अगर ना। कोमल, तुम्हारा जो पीए है वो नजर नहीं आ रहा आजकल। हाँ, वो छुट्टियों पे गया है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? मैं ये कह रहा था कि अगर तुम बोर हो तो मुझे कॉल कर लेना। क्यों, तुम जोकर हो? तुम्हें जोकर पसंद है क्या? तुमसे तो बेहतर ही होते हैं। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। चलो, तुमने ये तो माना कि तुम बुरे हो। अगर आप कहेंगी तो मैं सारी बुराई भी छोड़ सकता हूँ, मगर आप कैसे कहेंगी? आपके तो अपने काम ही सही नहीं है। मेरे काम कल भी तुमसे बेहतर थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हमसे दोस्ती का हाथ मिला लो, हमसे दोस्ती हो जाएगी ना तो हो सकता है हमारे काम भी बेहतर हो जाएं। दोस्ती और तुमसे, अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। जूस आ गया, पीजिए जी जूस, ठंडा ते मिठा जूस। तुम पहले ये काम भी करते थे? What a joke. मैंने जूस पी लिया तुम्हारी खुशी के लिए। अब मैं चलती, ठीक है? ओके, अल्लाह। ओ, ऐसे कैसे कैसे किधर जा रही हो? अभी तो मैंने और डॉक्टर ने जूस भी नहीं पिया है। तुम लोग अपना पैसा लेकर भाग तो नहीं रहे हो? तो यही तो तय हुआ था कि सब अपना अपना पैसा निकालेंगे और जाएंगे। ओ, मेरे को सब पता है क्या तय हुआ था, ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने एक दूसरे का हेल्प भी तो किया है आपस में। हाँ, तो तुम दोनों भी एक दूसरे का हेल्प कर दो। ओए, चुप करो तुम, मिल्क शॉप का दुकान जाओ, मेरे लिए पाइनएप्पल मिल्क शेक लेकर आओ। लेकिन तुम चाहो तो मेरे से बात कर सकती हो। ठीक है, हम तुम्हारा साथ देते हैं, अपना प्लान बताओ। पर हमारे पास तो कोई प्लान ही नहीं है। क्या मतलब? डॉक्टर का मतलब यह है कि हमने बहुत थिंकिंग करने के बाद ये सोचा है कि हमारा प्लान ये है कि तुम लोग हमारे लिए कोई प्लान बनाओ। मेरे पास इन सब फजूल बातों का वक्त नहीं है, मैं जा रही हूँ। और तुम दोनों भी निकलो, अपना पैसा खुद निकालो। और तुम दोनों भी निकलो ऐसे, अपना पैसा को ये मत भूलो कि वो अजूबाई ने मेरे को कॉल किया था, और अगर मैं तुम लोगों को नहीं बताता ना कि अजूबाई कहाँ पर है तो उसको तुम लोग ढूंढते फिरते हैं गली मोहल्ले में हर जगह, अजूबाई अजूबाई करते रहते हैं। हाँ, तो हमने उसके बदले तुम्हें उसका हिस्सा दिया है ना? हाँ बिल्कुल, ये रहा इसका पैकेट में रखा है मैंने हिस्सा। बात करते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो वो तुम्हारी गलती है। ओए, गलती वालती छोड़ो, तुम डेयरी फार्म, ये बताओ कि तुम हमारी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, हमें नहीं चाहिए पैसा, जो होगा देखा जाएगा। क्या मतलब डॉक्टर? मैं हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा और पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा। पुलिस के पास चले गए, पुलिस दो जूते मारेगी, तोते की तरह सब उगल देंगे। रोको इनको। सुनो, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। शाबाश डॉक्टर। अरे डॉक्टर, संभालो अपने आप को, आगे रास्ता बहुत लंबा है। हम कल मिलते हैं और प्लान बनाते हैं। हाँ ठीक है, तब तक अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है तो तुम हमें बताओ, और हमें कुछ समझ आया तो हम तुम्हें बताते हैं। बताएंगे। इसका मतलब तुम्हें ही सोचना पड़ेगा, हमारे दिमाग में आइडिया आना होता तो आगे होता। ये अभी सब कुछ ठीक हो गया तो हम इस लम्बे को सेल्फी में कैद कर लेते हैं। डॉक्टर आ जाओ, पोजीशन लो, इधर आ जाओ तुम लोग, सर वी का निशान बनाओ, वी का। शाबाश, आ जाओ। जरूरी
बात बताना चाह रहा हूँ। जी जी बताइए, सब खैरियत तो है? दरअसल बात ये है, अगर आप चीनी का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 दिन बाकी रह गए। अब उसके बाद चीनी खेतों से निकल के लोगों के गोडाउन में चली जाएगी, फिर जिन दामों में अभी मिल रही है उन दामों में मिलना नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए फिर हमें? मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चले, और आज ही चले, ताकि हम ये काम करके वापस आ जाए। अच्छा, लेकिन कितने दिन लग जाएंगे? ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, अगर हम आज निकलते हैं तो 2 दिन लगेंगे और हम फ्री हो जाएंगे। तो कब निकलना? आज शाम ही निकलते हैं। चलो ठीक है, फिर आप ऐसा करें, आप मेरी तरफ आ जाएं, मैं भी तैयारी पकड़ लेता हूँ। ठीक है ठीक है, बस फिर मैं शाम में आता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कौन सी बातें डॉक्टर? वो आज शाम को ना 2 दिनों के लिए कहीं पर जा रहे हैं जू भाई। तो यही तो हमारा मौका है पैसे निकालने का। हाँ ठीक है, हम करेंगे क्या? वो मैंने अभी नहीं सोचा है डॉक्टर, लेकिन हम कुछ सोच लेंगे। वैसे तुम्हें पक्का यकीन है कि अजू साहब भी जा रहे हैं? हाँ डॉक्टर, मैंने खुद अपनी इन दोनों आंखों से सुना है। कानों से देख भी लेते ना तो और भी अच्छा होता। डॉक्टर, वो शबनम का क्या हाल है आजकल? तुम्हें शबनम के बारे में कैसे पता? भाई साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी अजू साहब बोले। दरअसल किदवाई साहब, मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। अजू साहब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, बस कारोबार के सिलसिले में। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में, मतलब जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाता, इस घर का और भोले का ख्याल आपने रखना। अरे अज्जू साहब आप फिक्र ही मत करें, मैं बिल्कुल इस घर का ख्याल अपने घर की तरह रखूंगा, बिल्कुल अपने घर की तरह। आपसे यही उम्मीद थी मुझे, आपके लिए खर्चा भी छोड़ के जा रहा हूँ मैं। अजू भाई मैं पता ही क्या बोल रहा हूँ, तुम ना आराम से जाओ, मैं तो कहता हूँ 4-5 दिनों के लिए होकर आओ, अब मैं ना यहाँ पर। बिल्कुल हाँ, रेडी। बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। शुक्रिया का क्या है अजू भाई, तुम हमारा भाई। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, मैंने अभी तक तैयारी भी नहीं की, पैकिंग करनी है, जाके पैकिंग करता हूँ। हाँ अजू साहब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं। ओके, बहुत पैकिंग करना होगा ना। जू हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, मैं जा रहा हूँ। तू मुझे छोड़ के जा रहा है? तुझसे भला पीछा छुड़ा सकता हूँ मैं? बबली भाई के साथ जा रहा हूँ 2 दिन के लिए चीनी खरीदने। चीनी लेने के लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, मुझे पैसे दे, मैं अभी बराबर वाली दुकान से जाके ले आता हूँ। अबे गधे, कारोबार के लिए चीनी लेने जा रहा हूँ, तेरी चाय के लिए नहीं। अच्छा सुन, मैंने अलमारी में पैसे रख दिए हैं, जरूरत पड़े तो ले लेना। जरूरत तो मेरे को हमेशा ही पड़ती है, देता ही नहीं है। अच्छा घर का ख्याल रखना है, क्योंकि सारे पैसे घर में ही है। कहाँ रखे ये जानना जरूरी नहीं है? मुझे पता नहीं होगा तो मैं ख्याल कैसे रखूंगा फिर? तू बस पूरे घर का ख्याल रख लेना, 2 दिन में आ जाऊंगा मैं। देखना अच्छू, मैं घर का कैसा ख्याल रखता हूँ, एकदम अटैचकन। हाँ शाबाश, इसी तरह चौकन्ने रहे। वो क्या होता है? हाँ अलर्ट। ओ तू देखना अच्छू, तू जाएगा ना मैं इस घर में चुड़िया को भी पर नहीं मारने दूंगा। बाय। और ये भी आ गया बोला भाई, ये लो ये पेस्टरी, ये चिप्स, ये सब कुछ मेरे लिए मुकद्दर खान।
हाँ बोला भाई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। शुक्रिया मुकद्दर खान, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ वो जो अज्जू भाई है ना, वो तुम्हारा इस घर का जिम्मेवारी मेरे को देख रखी है। अच्छा, तभी वो इन चीजों की जिम्मेदारी मुझे नहीं देके गया। अब तुम हो ना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। हाँ इस घर का सारा कीमती चीजें जो है ना वो महफूज है। अज्जू तुम्हें चौकीदार बना के गया। बस यही समझ लो बोला भाई, मैं ना सारा रात जाग कर यहाँ पर पहरा दूंगा। हाँ लेकिन जो है ना घर के बाहर बैठना। लेकिन चोर तो घर के अंदर आते हैं ना। लेकिन आते तो बाहर से ही है ना। नहीं 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 बोला भाई, मेरे होते हुए इस घर के अंदर कोई चोर नहीं आ सकता। तुम चोर हो? ये तुमको किसने बोला है बोला भाई? नहीं तुमने अभी कहा ना कि मेरे होते हुए कोई और चोर नहीं आ सकता। ओ यार ये सब छोड़ो बोला भाई, मेरे को ये बताओ कि इस घर के अंदर सबसे कीमती चीज क्या रखा हुआ है? कीमती चीज? मेरे लिए तो सबसे कीमती चीज अज्जू है, लेकिन वो अभी है ही नहीं यहाँ पे। और पैसे? पैसे तो अज्जू मुझे देके गया है। मेरे को अज्जू ने बोला था, अज्जू भाई ने बोला था कि वो बोला के पास जो पैसे है वो तुम लेकर रख लेना। अच्छा अज्जू ने कहा था तो फिर ले लो। हाँ तो लाओ दे। हाँ ये लो ये लो। और ये क्या? 1500 रुपए जो अज्जू देके गया था मुझे। ओ यार ये वाला पैसा नहीं बोला भाई, वो जो ज्यादा वाला पैसा है, वो जो बैग के अंदर रखा हुआ है वो कहाँ पर है? कहाँ है? हाँ वही तो मैं तुमसे पूछ रहा बोला भाई कि कहाँ पर है। वो तो मैंने अज्जू से पूछा था कि कहाँ है। हाँ तो फिर अज्जू भाई ने क्या बोला? किससे? ओ यार तुमसे। किस बारे में? यार बोला भाई पैसों के बारे में। हाँ वो अज्जू ने कहा कि पैसे घर में ही कहीं है। लेकिन घर के अंदर कहाँ रखे हुए? ये तो उसने मुझे नहीं बताया। बोला भाई सोचो ना, तुमको याद आ जाएगा यार। एक मिनट में सोचता हूँ। हाँ मुकद्दर खान याद आ गया। बताओ बताओ। मैंने अज्जू से पूछा कि पैसे कहाँ रखे हैं। तो फिर तो अज्जू ने मुझसे कहा। अज्जू ने कहा कि पैसे घर में ही कहीं रखे हैं। और भी कुछ हो तो ले आना मुकद्दर खान। यार तो अच्छा आदमी है ये, इतनी सारी चीजें लाया मेरे लिए। अगर अज्जू वाकई शहर छोड़ के चला गया है तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा हमारे पास। हम इस गधे की बात कैसे मान ले, हमें क्या पता वो गया कि नहीं गया। ओए मेरा बात सुनो, छेनखे मुंह वाला डेयरी फार्म, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ठीक है ना? तुमको नहीं यकीन आ रहा तो इससे पूछ लो। हाँ हाँ ठीक कह रहा है ये, उन दोनों ने मुझे खुद बताया और वो मेरे सामने तैयार होके भी घर से बाहर निकले। ठीक है तो फिर करना क्या है? वो यार वो तुम लोगों ने जो अपने लिए किया था ना, अब वो तुम लोग दोबारा हमारे लिए करोगे। देखो मेरा प्लान दोबारा काम नहीं करेगा। तो फिर वो करते हैं जो यार डेयरी पारा मिल्क शॉप ने किया था। बोला भाई को अगवा कर लेते। तो बोले को अगवा करके हमें क्या मिलेगा? अज्जू तो यहाँ पर है ही नहीं। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा भाई। क्या सोचें फिर? चोरी करें, डाका डालें, क्या करें? चोरी चोरी? हाँ इससे अच्छा तो कोई प्लान हो ही नहीं सकते। अरे भाई वो कैसे? यार देखो अज्जू भाई जो है ना वो अभी घर पर नहीं है, और पैसे जो है ना वो घर पर है। तो जब बोला भाई सो रहा होगा ना तो हम लोग घर पर जाएंगे और पैसे चोरी करके आ जाएंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा कि पैसा कहाँ है? वो यार वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बोला भाई से पूछ लूंगा। वैसे आइडिया अच्छा है, अगर तुम दोनों को अपने पैसे चाहिए हैं तो तुम दोनों को यही करना चाहिए। बात में तो दम है इसकी। हाँ 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 बस तो फिर आज रात को ही चलते। हाँ करो, और जो भी हो हमें जरूर बताना। वो क्या बोला? जो तुमने सुना। मेरा बात सुनो, हम लोग ये चोरी अकेले नहीं करेंगे। तो तुम लोगों को भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्या कहा? जो तुमने सुना। वो तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा ही होगा। ओ चाचा समझाओ इसे, हम दोनों ने तुम दोनों से कभी इस तरह की मदद नहीं ली है। ये भी तो ठीक कह रहे कि अगर आप दोनों हमारे साथ चलते तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। ओए 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 डॉक्टर यार, तुमने पहली दफा काम का बात किया और मेरा साथ दिया, लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम के ऊपर किया है। चलो
तो अब फिर फैसला हो गया। तुम लोग होते कौन हो हमारी मर्जी के बगैर फैसला करने वाले? तुम्हारा पार्टनर होता हूँ मैं फैसला करने वाला। हम लोग कुछ ऐसा नहीं करने वाले, तुम लोगों ने जो करना है कर लो। ओ यार देखो मेरा बात सुनो, अगर तुम लोगों ने सिर्फ आज का दिन के लिए हमारा साथ दे दिया ना तो, और अगर हम पकड़े गए फिर? अबे सब कैसे पकड़े जाएंगे, उस घर के अंदर तो मासूम सा शरीफ सा एक भोला रहता है बस। और भोला को तो हम सिर्फ जानते ही है। तुम लोग हमें इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ओ ब्लैकमेल मैं कर नहीं सकता, क्या मतलब मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ? तुम दोनों को हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ओ यार क्या है, दूसरे को देख रहे हो यार, कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग कहाँ कहीं डर रहे हो? बस ठीक है, तुम लोग ना रात को तैयार रहना, मैं तुम लोगों को कॉल करूंगा, और अगर मेरा कॉल नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया ये पूछने के लिए मैं पुलिस के साथ आऊंगा। चलो डॉक्टर। ठीक है पर इन दोनों को तो पूछ लो कि ये लोग क्या चाहते हैं भाई। डॉक्टर अब सब कुछ इन दोनों के हाथ में ही है, ठीक है तुम चलो। तो फिर क्या सोचा तुमने, क्या करना है? मैं तो अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी, और तुमने क्या सोचा? मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना सब कुछ तो हो चुका है तो अब उस बेवकूफ मुकद्दर के हाथों अपना पैसा भी गवा दूँ। बात तो ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। डरो मत, भोला घर पे अकेला होगा। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन बस मेरा दिल घबरा रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बचाऊंगा तुम्हें। तुम बचाओगे मुझे? हाँ मैं बचाऊंगा तुम्हें। तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा? अच्छा अज्जू, वो तूने पैसे कहाँ रखे? क्यों? नहीं वो मुकद्दर खान पूछ रहा था मेरे से। बोले तूने उसे कुछ बताया तो नहीं? कोमल क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाय 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 हाय। पागलों की तरह यहाँ नाच क्यों रहे हो? और बैग मिला, पैसे कहाँ हैं? तुम यहाँ हो तो ये कौन है? अच्छू और भोला है निराले, इस जोड़ी